नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमी नेटवर्क टीम वॉरियर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमी की एजुकेशन के बारे में और एटॉमी का जो बैंक डिटेल्स है वो कैसे अपडेट करें। जैसा कि रिसेंटली जस्ट अभी एटॉमी इंडिया ऑफिशियल्स की तरफ से ये मैसेज मिला है कि आपको अपना बैंक डिटेल अपलोड करना है। ओके, और सबसे पहले मैं सभी एटॉमी मेंबर्स के जितने भी फैमिली है उसको बधाई देता हूँ सभी को, और जितने भी लोगों ने सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर अचीव किया है एटॉमी इंडिया के सभी टॉप लीडर्स को बधाई देता हूँ। और मैंने भी रिकॉर्ड टाइम ब्रेकिंग में सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर अचीव किया है टीम वॉरियर की तरफ से, और सभी एटोमियंस को हम बधाई देते हैं क्योंकि पिछले 2-3 साल से सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे और फाइनली मैक्सिमम लोगों ने, जितने भी टॉप लीडर्स थे, उन्होंने सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर क्वालिफाई करके अपनी जो लीडरशिप है वो यहाँ पे दिखाई है। और टीम में काफ़ी लोगों ने अपनी टीम के लीडर्स को सेल्स मास्टर डायमंड मास्टर बनाया है, उसके लिए उन सभी लीडर्स को बधाई है टीम वॉरियर फैमिली की तरफ से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एटॉमिक 11 नवंबर को लॉन्च हुई है और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। 3 से 4 दिन के अंदर काफ़ी लोगों ने सेल्स मास्टर डायमंड मास्टरशिप अचीव की है, और अभी जो टाइम है वो बैंक डिटेल्स अपलोड करने का है। जैसा कि आपको पता है आपका कमीशन स्टार्ट हो चुका है, और एटॉमी इंडिया ऑफिस की तरफ से अगर कमीशन को विड्रा करना है तो यहाँ पे बैंक डिटेल अपलोड करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड, एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, एडीएन नंबर और पासवर्ड, एडीएन नंबर और यूज़र आईडी सेम है, वो लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको टॉप में देखना है, एडिट माई अकाउंट पे क्लिक करना है। ओके, एडिट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है आपको। और जो थर्ड स्टेप है आप डाउन साइड में देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका लेफ्ट साइड में डिटेल है और राइट साइड में आप देख रहे हैं बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे बैंक। ओके, तो राइट साइड में बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स एक्स करके, और ये राइट साइड में चेंज है, इस चेंज के ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही चेंज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज है वो आपका इस प्रकार से ओपन होगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको। तो स्टेप्स में सबसे पहले क्या है, प्लीज़ एंटर बैंक अकाउंट होल्डर नेम, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको तो बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, फिर बैंक अकाउंट नंबर, अगेन आपको कंफर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर, नेक्स्ट आईएफएससी कोड बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन, आईएफएससी कोड डालना है बैंक का और उसके राइट में आपको सबमिट पर क्लिक करना है, और उसके बाद बैंक का नाम और ब्रांच ऑटो डिस्प्ले हो जाएगा नीचे जब आप आईएफएससी कोड सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, दोनों में से एक, और वो नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करके कंफर्म करना है। राइट साइड में देखिए, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। ओके, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपको अगेन बैंक अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पे, और फिर आईएफएससी कोड डालना है, आईएफएससी कोड आप देख रहे हैं, और राइट साइड में सबमिट करना है। जैसे ही आईएफएससी कोड आप सबमिट करेंगे तो आपके बैंक की ब्रांच नेम, बैंक का नाम और ब्रांच, वो नीचे जो कॉलम है उसके अंदर वो ऑटोफिल हो जाएगा। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ बैंक प्रूफ डॉक्यूमेंट, बैंक का जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो अपलोड करना है, या तो आपके पास पासबुक होनी चाहिए बैंक की या कैंसिल चेक होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आप कैंसिल चेक या बैंक की जो पासबुक है उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे, या तो कैंसिल चेक होना चाहिए या बैंक की पासबुक। तो जो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आप डॉक्यूमेंट, वही आपको नीचे अपलोड करना है और नीचे कंफर्म पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो लाइक दैट आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल अपलोड करनी है, और बहुत ही जल्दी एटॉमी इंडिया की तरफ से आपका जो फर्स्ट पे आउट है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। और उस पे आउट के लिए जितने भी हमारे लीडर्स हैं जिनको कमीशन मिल रहा है उनको हमारी टीम वॉरियर की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी एटॉमी के तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके फर्स्ट पे आउट के लिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमी के कंज्यूमर्स बनाइए, प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, प्रोडक्ट को शेयर कीजिए और कंज्यूमर्स का एक नेटवर्क डेवलप कीजिए, और एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ पैसिव इनकम आप उठा सकते हैं यहाँ पर आपकी थर्ड जनरेशन तक। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगेन मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, लॉगिन करना है आपको, लॉगिन करने के बाद आपको एडिट माय अकाउंट पे क्लिक करना है और नीचे देख रहे हैं बैंक, इसके ऊपर क्लिक करना, राइट साइड में चेंज पे रेड मार्क आप जो देख रहे हैं बॉक्स, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, फिर उसका अकाउंट नंबर, अगेन उसका अकाउंट नंबर,
और अगेन आपको आईएफएससी कोड डालना है, बैंक अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर, फिर आईएफएससी कोड सबमिट करना है, अगेन बैंक का नेम और ब्रांच ऑटोफिल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको बैंक लिस्ट ऑफ बैंक प्रूफ डॉक्यूमेंट, बैंक प्रूफ डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास, या तो चेकबुक होनी चाहिए या फिर आपके पास कैंसिल चेक होना चाहिए, उन दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे अपलोड करनी है और सबमिट करना है, सिंपल। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि आपकी पूरी की पूरी टीम की बैंक की डिटेल सही तरीके से यहाँ पे अपलोड हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।